हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में। मैं आपको बताऊंगा रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं और कहां पर कितनी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इसी के साथ साथ पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में। अब इस टॉपिक को हम समझते हैं कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है। तो सबसे पहले एक बात पर गौर कीजिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा है ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन है, और एक वीडियो भी हमने इसी चीज पर डिस्कस किया है कि इज द पॉलिटिकल कंपटीशन गुड। ठीक है, तो वहां पे हमने देखा था कि सभी लोगों को आजादी है कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में, सब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं और सब रिप्रेजेंटेटिव्स बन सकते हैं। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी। अभी हम क्या देखने वाले हैं, अभी हम ये देखते हैं कि जब ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होता है, मतलब आपने मतलब एक तरह से सबको इक्वालिटी प्रोवाइड कर दी कि हाँ सभी लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सब अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हैं, तो उसके चलते क्या होता है, जो वीकर सेक्शन होता है सोसाइटी का जो कमजोर वर्ग होता है, वीकर सेक्शन में नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू विन। ठीक है, तो जो अब दिखती बात है रेस हो रही है, रेस में अगर अंडर 19 कैटेगरी में रेस हो रही है और आप अंडर 9 के बच्चों को उन्हीं के साथ दौड़ा रहे हैं, तो कैपेबिलिटीज हो सकती है कि अंडर 9 के एज ग्रुप का बच्चा भी दौड़ जाए, लेकिन एक जनरल प्रिजम्पशन क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अंडर 9 वाला बच्चा अपने आप को कमजोर पाएगा वहां पे। आया समझ में? तो उसी तरह से यहां पे भी होता है क्या कि जो वीकर सेक्शन होता है सोसाइटी का, तो सोसाइटी का वीकर सेक्शन क्या होता है, वो मतलब वहां पे फेयर चांस नहीं है कि वो इलेक्शन जीत सके। क्यों? क्योंकि वो पिछड़ा हुआ है, वो कमजोर है थोड़ा सा। अब जब कमजोर है वो सेक्शन इलेक्शन में जीतने की पॉसिबिलिटी नहीं रखता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको कुछ बेनिफिट्स देना होगा। अब अगर हम देखें कि वो सेक्शन कमजोर क्यों है, तो उसके पीछे कारण है लैक ऑफ रिसोर्सेस, मतलब उस सेक्शन के पास में क्या है, संसाधनों की कमी है। ठीक है, दे लैक द रिसोर्सेस टू विन द इलेक्शन। जो पैसा चाहिए रहता है, जो पावर चाहिए रहती है, शायद वो हो सकता है वीकर सेक्शन, सोसाइटी के वीकर सेक्शन के पास ना हो, तो दे लैक रिसोर्सेस, एजुकेशन एंड कॉन्टैक्ट्स। शिक्षित नहीं होते उतने ज्यादा, जब शिक्षित नहीं होंगे, पढ़े के नहीं होंगे, तो हो सकता है वो उस सेंस में पार्टिसिपेट ना कर पाए इलेक्शन में और उतना इफेक्टिव रिजल्ट्स ना ला पाए। कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, उनकी नेटवर्किंग नहीं होती है, तो ये सारी चीजें बताती है उनको, ये सारी चीजें उनको कमजोर बनाती है, मतलब कमजोर बनाती नहीं है, इन सारे कारणों से वो कमजोर कहला रहे हैं। ठीक है, वो वीकर सेक्शन है। और क्या चीज है, पावरफुल पीपल में प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन। पहली चीज तो वो कमजोर है, इस कारण से नहीं जीत पाएंगे, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज भी है कि वो कमजोर है, तो उनपे पावरफुल पीपल क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे, जो जिनके पास में शक्ति है वो लोग क्या करेंगे, वो इन्हें जीतने कभी देंगे भी नहीं। तो ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इन सारी परेशानियों के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही समझ थी। तो देखो कितनी फॉरसाइट थी उन लोगों की, कितने दूर तक देख सकते थे, दूरदृष्टि थी, कि जिसके चलते उन्होंने ऐसे प्रोविजंस डाले जिससे वो क्या कर सके, जिससे वो इस वीकर सेक्शन को प्रमोट कर सके, ऊपर ला सके। तो इसी के चलते उन्होंने क्या करा, देयरफॉर दे इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, और इसी के चलते रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया हमारी कंट्री में। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सिस्टम देखिए कुछ इस प्रकार से है, एक रॉ आइडिया मैं आपको देता हूं कि जैसे कंट्री हमारा, अब कंट्री में हमने कल क्या पढ़ा था, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। ठीक है, तो अब ये 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से आपको क्या पता है, ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन में, मतलब जिसके अंदर कैपेबिलिटीज है, लीडरशिप क्वालिटीज है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे और जीते। तो हमने यहां तक तो समझा था कल, लेकिन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या हो सकता है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक थोड़ी सी चीजें जो बदल सकती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि मान लीजिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम क्या कर देते हैं, जैसे आपके ट्रेन में आपकी सीट रिजर्व हो जाती है, कि हमने फिक्स कर दिया है कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे, जहां पे स्टार लगे, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से कोई पर्टिकुलर कैटेगरी का इंसान ही इलेक्शन लड़ेगा और वही जीतेगा। मतलब हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स उतार सकती है, बीजेपी भी अपना कैंडिडेट उतारेगी, कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट उतारेगी, तो सभी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी जरूर इलेक्शन में, लेकिन होगा क्या, यहां पर होगा यह है कि वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी से, किसी स्पेसिफिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करेंगे, वहां से जो भी कैंडिडेट जीत के आएंगे। आगे समझ में? तो इस सेंस में क्या किया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इन्हें रिजर्व कर दिया गया किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए। तो
the reservation for schedule caste and schedule tribe SCST. तो schedule caste और schedule tribe, जैसे schedule caste पिछड़ा वर्ग जो होता है, ठीक है, जो मतलब पिछड़ी जातियां होती है, जिन लोगों को किसी ना किसी समय में, एक समय में क्या किया जाता था, बहुत ज्यादा discriminate किया जाता था, जो पीछे रह गए थे, तो हमारे constitution makers ने उन्हें ऊपर लाने के लिए उनके लिए constituencies क्या करिए, रिजर्व कर दिए. वैसे ही जो हमारे शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी होते हैं, उन लोगों के लिए भी क्या की गई है, इसी तरह से कंस्टिट्यूएंसीज रिप्रेजेंट की गई है, ताकि क्या उन्हें जब रिप्रेजेंटेशन मिले तो उनकी आवाज को एक बल मिल सके, एक शक्ति मिल सके उनकी आवाज को, कि हाँ वो इस चीज से सिक्योर हो जाए कि हाँ उनका भी रिप्रेजेंटेशन है कंट्री में. अगर इस तरह से हम रिजर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो पावरफुल सेक्शंस थे सोसाइटी के उस समय पे, वो क्या करते, वो कभी ना ऊपर ही नहीं आने देते. तो इसके चलते ये आइडिया चला कि हाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होना चाहिए वो रिजर्व होना चाहिए. इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपको क्लियर थी, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी आई होप कि आपको क्लियर हो गई कि किस तरह से हम कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को 543 में से जैसे हम कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्या कर देते हैं, रिजर्व कर देते, कि जहां से शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे. तो जिसके चलते क्या है, जिसके चलते उन्हें फेयर कंपटीशन का मौका मिलेगा, ऊपर आने का एक मौका मिलेगा. अब यहाँ पे क्या है कि जो नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व की गई है लोकसभा इलेक्शन में वो कितनी है, तो ये 2012 के डेटा के हिसाब से बता रहा हूं मैं. 84 सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई है, मतलब टोटल 543 में से 84 सीट्स जो है वो किसके लिए रिजर्व है, शेड्यूल कास्ट के लिए. मतलब 84 कैंडिडेट जो रहेंगे वो किस कास्ट से बिलोंग करेंगे, वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करेंगे. ठीक है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट है, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, तो 84 पार्लियामेंट तो तय है, ये तय है, मतलब इतने तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के कारण इतने लोग जो होंगे वो कौन होंगे, शेड्यूल कास्ट के होंगे. उसके बाद में 47 सीट्स जो है, तो 47 सीट्स किसके लिए रिजर्व की गई है, शेड्यूल ट्राइब के लिए. तो ये भी तय है कि 47 सीट्स पे कौन आएंगे, शेड्यूल ट्राइब्स आएंगे. तो आई होप आपको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए कैसे सीट्स रिजर्व की गई वो समझ में आया, कितनी कितनी सीट्स रिजर्व की गई है वो समझ में आया. अभी अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, और तो लेटर ऑन दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल. तो 1991 के बाद में क्या हुआ, जब डिसेंट्रलाइजेशन होता हमारी कंट्री में, तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को क्या किया गया है, इस सिस्टम को नीचे, मतलब जो हमारी कंट्री के थर्ड टीयर था, लोकल लेवल जो था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी क्या किया गया, रिजर्व किया गया. तो लेटर ऑन दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल. जैसे पंचायती राज सिस्टम जो होता है, पंचायत इलेक्शंस में क्या है, रिजर्वेशन है. तो अब लोकसभा के अलावा कहाँ है, जो डिस्ट्रिक्ट के एकदम जो थर्ड टीयर होता है, जो एकदम नीचे लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, वहां पे भी रिजर्वेशन दे दिया गया है. ठीक है, पंचायत में, यूएलबीज, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज जो होती हैं, तो वहां पे भी क्या दिया गया, इस तरह से रिजर्वेशन दिया गया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्युनिसिपैलिटीज में. 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन ऑल्सो. तो देखिए, वीकर सेक्शन में सिर्फ आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, वुमेन ऑल्सो बिलोंग टू वीकर सेक्शन. क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि हमारी सोसाइटी जो एक पुरुष प्रधान सोसाइटी है, ठीक है, पेट्रायरकल सोसाइटी है, तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते डिस्क्रिमिनेशन होता है. किसके साथ में? वुमेन के साथ में. तो उस डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए हमने वुमेन के लिए भी सीट रिजर्व करी है. तो 1/3 सीट जो है, अब यह बात अलग है कि वुमेन के लिए जो सीट रिजर्व करी है, तो वो सिर्फ लोकल लेवल पे हुई है, नेशनल और स्टेट लेवल पे नहीं हुई है. तो लोकल लेवल पे मतलब रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जैसे पंचायत हो गया, ठीक है, जिला परिषद हो गया, म्युनिसिपैलिटीज हो गई, तो इन इन लेवल पे क्या किया गया है, इन लेवल्स पे भी हमने वुमेन के लिए सीट को रिजर्व करा है. तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपको ये समझ में आ गया, इन जनरल देश में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, स्टेट में है, लोकल लेवल पे है. वुमेन के लिए सिर्फ लोकल लेवल पे है, जहां पे लोकल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट में सीट्स रिजर्व्ड है. अब स्टेट की अगर बात करें, तो स्टेट्स में वेरी करता है कि कहां पे कितनी सीट्स रिजर्व्ड है, बाकी रिजर्वेशन मिला है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रिजर्वेशन मिला है. आई होप आपको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज पूरी तरह से समझ में आ गई. तो अब हम जो इलेक्टोरल प्रोसेस पढ़ रहे थे कि हमारी कंट्री में किस तरह से इलेक्शन होते हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी समझ आया, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी समझ आया. अब हम वोटर लिस्ट के बारे में देखेंगे, किस तरह से इलेक्शन में वोटर्स लिस्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, वोटर्स लिस्ट क्या होती है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं. फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, वोटर्स लिस्ट. थैंक यू वेरी मच.